एंड वेलकम टू दिसजी सतोलॉजी आप सबकोलॉजी के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग छह सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे सिक्स सोल्यूशंस मोटिवेशन क्लासेस आर नॉट नीडेड एक्चुअली जरूरत नहीं है किसी को मोटिवेशन लेने के लिए लेकिन गुरु इज़ डेफिनेटली नीडेड आजकल का जो मोटिवेशन क्लासेस का सिस्टम है बहुत लोग मूर्ख बनते हैं ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड में मोटिवेशन भी बेचा जाता है क्योंकि तो यहाँ पर ये जो सोसाइटी बनी है आप इनका इतिहास देखेंगे हमारे सैथोलॉजी शो में में तो बहुत सारा हमारे कुसुमता केडिया जी ने बहुत एक्सप्लेन किया इनके इतिहास के बारे में इनके माइंडसेट के बारे में हर चीज़ बिकती है उधर भोजन भी बिकता है ज्ञान भी बिकता है विद्या भी बिकती है अविद्या भी बिकती है क्योंकि ये एक बहुत ही जो सोसाइटी बनी हुई है वो सिर्फ एक एनिमलिस्टिक माइंडसेट पे है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब आप किसी को भी मार के पैसा अपनी जेब में रखेंगे आगे चलेंगे दैट इज़ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ओके ये ये चीज़ें हमारे सिविलाइजेशन में नहीं होनी चाहिए ये किसी भी जो मूल निवासी हैं कहीं की भी नेटिव बोलते हैं जिनको चाहे वो शालमली के हों चाहे पुष्कर के हों चाहे क्रॉन्च के हों या जम्मोद्वीप के हों कहीं पर भी ये कल्चर नहीं होता ये सिर्फ मिलता है यूरोप का यो मॉडर्न चर्च के बाद का सिस्टम है क्योंकि जिसके पास है धन वो बनेगा चर्च मेंबर और चर्च मेंबर बनेगा तो उसके आजादी की जाएगी पावर एग्जैक्टली सेम सिस्टम चलता है मुस्लिम समाज में भी कि अगर आप बन गए आपके पास पैसा है तो आप अशरफी हैं और वैसे ही सेम सिस्टम है एनी वे फ्रॉम द टॉपिक कमिंग बैक टू द टॉपिक है ना इतना इम्पोर्टेंट है कि रामलला से राज्यसभा का राज राम राज्य का क्या जो की जो जर्नी है सफर है वो कैसे होगा भगवान राम ने शुरपनखा आई भगवान लक्ष्मण ने उनको दंड दिया उसके बाद वो आगे बढ़ गए जब वो आगे गए वो आगे गए तो उनको मिलता है एक राक्षस कबंद जो जानवर के जैसा दिख रहा है उसका सर जो है धड़ के अंदर है बॉडी इज इन द टॉर्सो यहाँ पे आंखें दिख रही हैं उसकी और बहुत ही विशाल शरीर है उसका लक्ष्मण जब देखते हैं उनको लगता है जानवर है ये और जानवर समझ के अब देखिए जो लोग बोलते थे भगवान राम ने मांस खाया बहुत रामलला की रामलला के अर्च विग्रह के का स्वागत से पहले मैं स्वागत ही बोलूँगा तो राम तो हमेशा है तो राम के स्वागत से पहले कितना लोगों ने बकवास किया जगह शोज पे स्पेशली ऐसे मूर्ख लोग जिनको जिन्होंने कभी रामायण पढ़ी नहीं वो ऑर्डरे ट्रस्के की क्लासेस सुन के वो उन्होंने सीखी रामायण या जाकिर नायक की सारे कांग्रेसियों की बात कर रहा हूं शायद सारे नहीं तो कुछ तो होंगे तो वो लोग और बाकी लेफ्टिस्ट बाकी इंडो फाइल्स मैं महिलाओं को सुन रहा था मिसो जीनिस बात करते मिसो जीनस बताते हैं। और भी ऐसा यूज किए मैं बोल नहीं सकता हूँ मेरे में तो हिम्मत नहीं है और मुझे क्रोध भी आएगा सुनकर क्योंकि बिल्कुल ही प्रोपेगेंडा वाली बातें हैं झूठ झूठ है ये मक्कार टाइप के लोग हैं जो लेजी भी हैं बार बार प्रोपेगेंडा जिनका कोई अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है या कोई फैक्चुअल नॉलेज भी नहीं जानना चाहते अध्यात्म थोड़ा दूर की बात हो गई सत्य भी नहीं बोलना चाहते ऐसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं आपको मालूम है लक्ष्मण क्यों नहीं मारते कबंध को लोग है जानवर है जानवर की हत्या नहीं की जाती अब बताइए हंटिंग आप बोलेंगे कि बाघ मार रहे हैं कबंध की हत्या इस तरह नहीं करते लक्ष्मण क्योंकि क्यों जानवर दिखता है तो वो लक्ष्मण जो जानवर की हत्या नहीं कर रहे हैं कैसे बाकी दुष्कर्म बाकी करेंगे कैसे उसको खा लेंगे सोचने की बात है ये सब चीजें हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या हमने आ, मान लेते हैं बात बड़ी आसानी से हमको रियल मोटिवेशन चाहिए तो आज मैं आपको छह प्रिंसिपल्स दे रहा हूँ सिक्स प्रिंसिपल्स दिस इज वेरी गुड फॉर पॉलिटिशियंस जो राजनीति में जाना चाहते हैं जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये और मेरी सभी पुस्तकें थोड़ा जोग्राफी पे ज्यादा फोकस करती हैं तो यहां पे भी इंपॉर्टेंट है तो जा रहे हैं तो ये ऋषिमुख पहाड़ से पहले की घटना है तो पंचवटी से वो ऋषिमुख की तरफ जा रहे हैं उसके पहले की घटना है मतलब नासिक और मुख्य अंदाजा लगा सकते हैं मैं किस जगह की बात कर रहा हूं टूवर्ड्स मध्य प्रदेश बट बिफोर हम्पी ये बात हो रही है इस जगह की बात है वहां पे आपको एक मंदिर भी मिलेगा उसके विषय में मैंने एटलस पुस्तक में लिखा हुआ है तो यहां पर लक्ष्मण को ये राक्षस कबंध पकड़ लेता है और छुड़ाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं और तो बड़ा आ, राम को बोलते हैं कि तो राम जो है बड़ा अच्छा इनका दृश्य है कि राम बिल्कुल भी घबराते नहीं है डरते नहीं है वो देख रहे हैं कि कैसे पकड़ लिया लक्ष्मण को इस राक्षस ने और राम देख रहे हैं बिल्कुल घबराए बिना शांत स्वभाव से तलवार का प्रयोग करके उसके हाथ काट देते हम्म और उस क्योंकि जानवर जो देखते हैं उसकी मृत्यु उसकी हत्या निषेध है हत्या हत्या निषेध है।, है और पूछता है दोनों भाइयों से तुम कौन हो अच्छा वो बताते हैं अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं और बताते हैं किस तरह रावण ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया तो वो अपने बारे में बताता है कि शूर, स्थिल ऋषि शूर ने उसको श्राप दिया था कि तुम इस प्रकार का भयानक रूप धारण करोगे और इसीलिए उसका जो और फिर इंद्र ने उसको दंड दिया तो उसका जो सिर है धड़ के अंदर चला गया अभी वो बिना सर का लेकिन उसकी आँखें हैं दिख रही है ना लेकिन ब्रह्मा ने क्योंकि उसको वरदान दिया था लंबी आयु का तो इंद्र ने उसको बड़ी बड़ी बाहें दे दी ताकि जीवन तो जीना ही उसको और बोला भी इंद्र ने कि तुमको राम और लक्ष्मण बचाएंगे इस श्राप से मुक्ति देंगे श्राप हमेशा जो होता है दूसरे के बेनिफिट के लिए होता है मतलब ये नहीं करूंगा कि आप सब लोग श्राप की कोशिश करें श्राप सिर्फ संत समाज ही दे सकता है या फिर ऐसा व्यक्ति देगा जिसने योग साधना में निपुणता अर्जित की हो और कोई श्राप नहीं दे सकता किसी को भी ना जैसे गांधारी जब कृष्ण को श्राप देती है गांधारी बहुत बड़ी तपस्वी नहीं है दे सकती हैं मा शिवदेव शिव जी की महान भक्त है तो लेकिन साधारण व्यक्ति सब श्राप नहीं दे सकता जैसे कभी सुना होगा आपने भादुडी आंटी है ना विजया बच्चन वो श्राप दे रही थी किसी को तो मैं सुन के बड़ी मुझे हंसी आई थोड़ी देर के लिए मैंने कहा ये कैसे हो गया <laughs> क्योंकि शास्त्र पढ़ते तो लगता है श्राप कोई भी दे देगा है ना श्राप देने के लिए आपको साधना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस योग विधि में आपको निपुणता मिलनी चाहिए गुरु के माध्यम से क्योंकि श्राप की पूर्ति कौन करेगा श्राप का साक्षी कौन है ये सब इंपॉर्टेंट है ना किसने देखा तो मंत्रों के द्वारा साक्षी के द्वारा देवताओं के द्वारा फिर अंत में हरी अंत में सारे वरदान तो हरी देते हैं तो सबकी पूर्ति कैसे होगी अगर ब्रह्मा ने भी वरदान दिया तो ब्रह्मा का वरदान चलेगा तो नहीं जब तक तो हरी का वरदान नहीं होगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये कोई हर कोई किसी को श्राप बांटता वो नहीं घूम सकता इंग्लिश वर्ड कर्ज तो होता ही नहीं कर्ज गाली होता है अंग्रेजी लोग तो उसे गाली दे सकते हैं ना कौन सा श्राप देंगे उनको लेकिन आपके कर्म भी आपके श्राप बन सकते हैं ये भी ध्यान रखिए स्वयं तो तो उनको फिर जलाया जब जला रहे थे जैसे उनको मारा कबंद को फिर उसको जला रहे थे तो एक देव तुल्य व्यक्ति कबंद के शरीर से निकला और वो उसका वास्तविक रूप था हम सबका एक वास्तविक रूप भी है अभी जो हमारा शरीर है वो हमारे पिछले कर्मों के द्वारा मिला हुआ है लेकिन हमारा एक वास्तविक रूप भी है जिस शरीर को हम प्राप्त करते हैं मृत्यु के बाद अगर हमको कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है बड़ा सिंपल प्रोसेस है तो वो बोलते हैं भगवान राम लक्ष्मण को मदद करने के लिए बोलते हैं कि सहायता कर रहे हैं छह उपाय राजा के लिए अगर राजा ये छह उपाय करते हैं सुन ले सभी पॉलिटिशियंस और ये आपके भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सबको पास सिचुएशंस आती है इस तरह की डिफिकल्ट तो कैसे उसमें सोल्यूशन संधि शत्रु के साथ संधि संधि दुश्मन से नहीं कर सकते आप दुश्मन तो मन के अंदर है तो कहां पे संधि करेंगे शत्रु जो शस्त्रों से अटैक करे वही शत्रु संधि इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है अगर शत्रु ज्यादा शक्तिशाली है उससे संधि करना उचित है ये डिप्लोमेसी के छह रूल्स हैं सिक्स गोल्डन रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ रामायण वाल्मीकि रामायण दूसरा है विग्रह विग्रह मतलब इनिशिएट ए फाइट विद द एनिमी संधि विग्रह संधि मतलब दोस्ती किया, अब विग्रह आप इनिशिएट करें दूसरा नहीं आप इनिशिएट करें जब आप शक्तिशाली हो अगर वो शक्तिशाली है तो पहला संधि तीसरा है यान मतलब आप आक्रमण करें उसमें लिखा इनिशिएट मतलब वॉर नहीं करें लेकिन आप संधि विग्रह यान आप इनिशिएट करें अटैक कर दे विग्रह में थोड़ा संधि में तो दोस्ती बना रहे विग्रह में भेदभाव पैदा करें यान मतलब अटैक कर दिया आपने कबंध बता रहे श्री राम को आसन मतलब वेट करें स्थिर रहे सिरम सुखम आसनम ये वो तो मैंने योग वाला बोल दिया लेकिन नहीं यहां पे आसन का अर्थ है वेट करे पेशेंट रहे फॉर द राइट ऑपरचुनिटी आक्रमण तो आपको करना ही है यह राजाओं के लिए निर्देश है इससे राजा कुछ भी प्राप्त कर सकता है राइट अपॉर्चुनिटी द्वैधी भाव कभी द्वैधी भाव रखना दुश्मन के प्रति कंफ्यूज करना ड्यूअल पॉलिसी रखना दुश्मन के लिए शत्रु के लिए कभी दोस्ती कभी फ्रेंडशिप देखते हैं बहुत सारे देश करते हैं आजकल सबसे ज़्यादा करते हैं अभी हम देखते हैं अमेरिका ही करता है मेरा देश अमेरिका ही करता है वजी भाव किसी को पता ही नहीं लगता कौन किसका दोस्त है किसका दुश्मन है वो लोग तो सोच समझ के नहीं करते वो लोग तो बस करते हैं बिकॉज उनके जो मन में आता है करते रहते हैं नेचुरली कोई पॉलिसी नहीं है उनका वो नेचर ही है कन्फ्यूज है है ना इन लोगों से आप कुछ सीख नहीं सकते क्या बोल रहे हैं वो प्रवृत्तिम चाह निवृत्तिम चाह कन्फ्यूज़ पता ही नहीं क्या करना है तो वो बात नहीं हो रही यहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्ति की बात हो रही है जो वैदिक ज्ञान से बाहर आया है द्वैधिभाव वही कर सकता है जिसका मन संयम है वो भाव कर सकता है बाकी तो अपना जैसे अपनी ईगो में चल रहा है कभी ऊपर कभी नीचे कभी गोली खाई डिप्रेशन की अमेरिका साधे लोग तो डिप्रेशन गोली खाते हैं समाश्रेय या फिर दूसरे शक्तिशाली राजा की शरण ले लो अगर आप कमजोर हो तो कौन से छह संधि विग्रह यान आसना संधि विग्रह यान आसना द्वैधी भाव समाश्रय ये छह रूल्स हैं कहां कहां पे प्रयोग करना है अभी आपको सब समझ आ जाएगा कहां कहां पे प्रयोग करना है आपको और कबंद बोलते हैं अगर आप किसी कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं तो दूसरे ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो उसी परिस्थिति से जा रहा हो उससे सलाह करिए उससे आप डिस्कशन करिए तो रघुनंदन इसीलिए तुम सुग्रीव से मिलो फिर सुग्रीव कहानी बताते हैं तो कबंध जो है सुग्रीव से इंट्रोड्यूस कराते हैं सुग्रीव की कहानी क्या है मालूम है वाली ने उसकी पत्नी चुरा ली और फिर उसके बाद तो सुग्रीव की बहुत सारी क्वालिटीज़ भी हैं जिसको हम लोग अगले शो में डिस्कस करेंगे तो आज हमने डिस्कस किया सिक्स सोल्यूशन फ्रॉम रामायण फॉर द पॉलिटिशन्स और द लीडर्स टू ऑलवेज विन है न संधि विग्रह यान आसना द्वैधिभाव और समाश्रय संधि विग्रह यान आसन द्वैधिभाव समाश्रय है ना सबको मतलब पता लग गया रिपीट कर देता हूँ संधि मतलब फ्रेंडशिप करना दुश्मन से शत्रु से विग्रह मतलब उससे बैर करने की कोशिश करना उससे डिफरेंसेस मेंटेन रखना या इनिशिएट करना कि लड़ाई हो या मतलब आक्रमण करना आसना मतलब वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी और द्वैदी भाव मतलब कंफ्यूजिंग पॉलिसी रखना शत्रु के लिए उसको पता ही नहीं लगे दोस्त है कि मेरा दुश्मन है और समाश्रय मीन्स अगर आप खुद अपना रक्षा नहीं कर सकते हैं टेक द शेल्टर ऑफ ए अनदर पावरफुल किंग ये कबंध अपनी मुक्ति के बाद राम लक्ष्मण निर्देश देते हैं आपको बड़ा यह असर होगा कि हर कोई राम लक्ष्मण को लेसन देख क्यों जाता है ये त्रेता युग है त्रेता युग के लोग बहुत ही क्वालिफाइड हैं दूसरे भगवान सभी जीवों की रिस्पेक्ट करते हैं अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं भगवान आपके साथ डिस्कशन भी करते हैं और एक सामान्य मनुष्य के जैसा बिहेव कर रहे हैं राम भगवान राम भगवान राम जो तो दंड देने वाले किसी को सुनते नहीं हैं लेकिन साधारण उसको मृत्यु दंड तो दिया ही है कमंत को लेकिन अब दंड देने के बाद भगवान का गुस्सा शांत हो गया तो अब वो उनसे डिस्कशन कर रहे हैं बट इनके माध्यम से हमको बहुत कुछ भगवान राम के बारे में सीखने को मिलता है और भगवान राम हमारे साथ किस तरह बिहेव करेंगे जब ऐसा मौका आएगा तो वो भी हमको सीखने को मिलता है तो इन सब पॉलिसीज़ के माध्यम से हम अपनी अपने राष्ट्र की अपने राष्ट्र की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कंसिस्टेंट स्ट्रेटजीज तो इसको आप तो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोस को लाइक करिए शेयर करिए चैनल से जुड़िए और इस तरह के वीडियोस को बहुत लोगों तक पहुंचाइए हम लोग डिपेंड करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्योलॉजी के बारे में बताएंगे हमारे यहाँ पे हम धर्म ज़्यादा पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू फोकस ऑन द एजुकेशन एस्पेक्ट ओनली थैंक यू नमस्ते जय जगन्नाथ और जय श्री राम